चार साल पहले तक जिस जींद जिले में लड़कियों के नाम पर केवल कन्या भ्रूण हत्या के बारे में ही सुनने को मिलता था, आज वहां बेटियों की किलकारियां सुनने को मिलने लगी है। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हरियाणा के ऐतिहासिक जिला पानीपत की धरती से जनवरी 2015 में प्रदेश एवं देशवासियों से की गई अपील का व्यापक पैमाने पर असर हुआ है और आम जनमानस इसके प्रति काफी जागरूक हुआ है, जिसका असर जिला जींद में भी देखने को मिल रहा है। जहां आज से करीब चार वर्ष पहले इस जिला की हालत हरियाणा प्रदेश में काफी दयनीय थी, यहां पर 1000 लड़कों के मुकाबले 857 लड़कियां थी, जो कि वर्तमान में 944 हो चुका है, जिससे जिला जींद में पंचकुला, फतेहाबाद और यमुनानगर के पश्चात चौथा स्थान हासिल कर लिया है। जिला जींद की सिविल सर्जन शशि प्रभा अग्रवाल ने बताया कि कन्या भ्रूण हत्या के मामले में स्वास्थ्य विभाग बहुत ही सजग है और जहां भी इसकी सूचना मिलती है वो तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाती है। हम इस आंकड़े को और अधिक बढ़ाएंगे और जिले में बेटियों की संख्या को बढ़ाएंगे। उन्होंने बताया कि अब आम जन मानस इसके प्रति जागरूक हुआ है। लिंगानुपात में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। उस समय हम 857 पर थे 2015 में और अब हमारा लिंगानुपात 944 चल रहा है, जो हमने इतने अंक अपना बढ़ाया है। और इसमें सारी जो अपने प्रधानमंत्री जी का योजनाओं का हमने अपना रेड की और सारा कुछ हमने PNDT एक्ट को लागू किया, MTP जो किट्स बिकती थी उनको रोका और जो अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पे सेक्स टेस्ट होता था उनकी रेड करके हमने उनको रोका और जो हमारी बच्चियां जन्म लेने से पहले ही मर जाती थी वो सब हमने रोक के ये इतना अपना लिंगानुपात सुधार किया। और उम्मीद है कि हम इस साल के एंड तक और 950 अंक तक पहुँच जाएंगे। जिले में PNDT के प्रभारी डिप्टी सिविल सर्जन प्रभुदयाल ने बताया कि जिले में लिंगानुपात में सुधार के प्रयास लगातार जारी है। लोगों को बेटा और बेटी में कोई फर्क न करने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। गर्भ में पल रहे भ्रूण की लिंग जांच करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पिछले चार सालों से 50 से ज्यादा सफल रेड विभाग की टीम कर चुकी है। उन्होंने कहा कि जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर होगा। 2015 की अगर अपन बात जिला जींद के बारे में करते हैं तो हमारी जो सेक्स रेशो थी वो 1000 पे 857, 1000 लड़के पे 857 लड़कियाँ थी। उसके बाद हमने जो है PNDT के तहत जो अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं उनके ऊपर भी हम लोगों ने रेड करी, जो लड़का होने की दवाई देने वाले जो वैद्य हैं उनके ऊपर भी हम लोगों ने कार्रवाई की। और हमने जींद जिला में ही नहीं बल्कि आसपास के ज़िले और इवन इंटर स्टेट्स के अंदर भी हम लोगों ने रेड की। अब तक हम लोग 50 रेड कर चुके हैं और जिला जींद की जो हमारी सक्सेस रेशो है इस वक्त जुलाई के लास्ट तक के 944 हो चुकी है, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में 90 के करीब हमारी सेक्स रेशो में सुधार हुआ है। और जहाँ तक बात करते हैं अपन भाई क्या फ़ायदा किस वजह से ऐसा हो रहा है, एक तो सरकार की शक्ति जिसमें हमारा स्वास्थ्य विभाग भी है शामिल है, साथ में पुलिस डिपार्टमेंट भी है, WCD भी है, तो हम लोग ऐसा होने ही नहीं दे रहे। दूसरा ये लोगों की सोच के अंदर भी काफ़ी फर्क हुआ है। पहले क्या था, लोग यहाँ से दूसरे ज़िलों में या दूसरे स्टेट के अंदर जाते थे, अल्ट्रासाउंड करवाए जाते थे और गर्भ में अगर लड़की है पता चल गया तो वो लोग गर्भपात करवाते थे। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई भी मामला जींद जिले में पिछले एक साल में कोई नहीं आ रहा है और लोगों की सोच में भी बड़ा फर्क हुआ है। लोग गुआ पूजन आजकल बेटी के जन्म के ऊपर करते हैं, ठीक है, और WCD डिपार्टमेंट के साथ जो है बड़ा सहयोग करते हैं। और इधर उधर अगर कोई भी ऐसी घटना होती है हम लोगों तक सूचना पहुंच जाती है और हम लोग उसको पूरा ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल हमारी जो कंडीशन है बहुत अच्छी है और मेरा सोचना है कि इस साल के अंत तक हम लोग 950 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। पूरे हरियाणा में हमारा भी चौथा स्थान है, जो पीछे हमारी रिसेंट VC हुई है उसमें जींद जो है चौथे स्थान के ऊपर है और निस्संदेह हम लोग 950 का आंकड़ा पार कर जाएंगे तो प्रथम स्थान हरियाणा में हम लोग प्राप्त करेंगे। DC साहब को भी इस साल जो है लिंग सुधार में है क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में 29 पॉइंट हम लोगों ने छलांग लगाई और जिला जींद को इसमें 5 लाख रुपए का WCD डिपार्टमेंट की तरफ से इनाम भी मिला है। सत्य खबर के लिए जींद से इंद्रजीत शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।